प्रभु, ये तो लघुमुखा की चील है जो इसका संदेश देने आया था, किंतु प्रभु वो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ कर क्या रही है? इसके स्वर से प्रतीत होता है कि ये कोई संदेशा देने आया है। काकराज, आप उसके समीप जाइए और ज्ञात कीजिए। अवश्य प्रभु, मैं जाता हूँ। अकस्मात मौसम में परिवर्तन कैसा? कदाचित इस प्रकाश से मुझे ब्रह्मांड में वो गुप्त मार्ग अवश्य मिलेगा जो मुझे अहिरावन तक पहुंचाएगा। अकस्मात ब्रह्मांड में प्रकाश पुंज विलुप्त क्यों हो जा रही है? कुछ क्षण भी नहीं ठहर पा रही। कदाचित इसी कारण मैं वो गुप्त मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा। असुर गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? मेरी सहायता करिए गुरुदेव। आश्चर्य, मुझे अहिरावण की केवल पुकार सुनाई दे रही है, ना उसकी छवि दिखाई दे रही है और ना वो स्थान जहां से वो मुझे बार बार पुकार रहा है। किंतु उस अज्ञात स्थान को मैं किसी भी मूल्य पर ढूंढ निकालूंगा और अहिरावण तक अवश्य पहुंचूंगा। अचानक से ही मौसम में परिवर्तन कैसा? अवश्य कोई विशेष कारण होगा। वो युवक इतना भयभीत सा कोने में दुबक कर क्यों बैठा है? तो ये युवक विद्युत की चमक और मेघ गरजने से भयभीत हो रहा है। मत करो युवक, मुझे अपना हाथ दो, कुछ नहीं होगा। नहीं, ये विद्युत गिरने वाली है, ये मुझे जलाकर भस्म कर देगी। बचाओ मुझे। पुत्र कहाँ थे तुम? माता, विद्युत की चमक से ना मैं डर गया था, इसलिए वहां पे दुबक के बैठ गया था। किंतु उन्होंने ना
एक बाण चलाकर बिजली को गायब कर दिया। हाँ माता, पुत्र ये है वो। मैं आपकी आभारी हूँ ब्राह्मण कुमार, जो आपने मेरे पुत्र के भय को समाप्त कर दिया। क्षमा करें देवी, आपका पुत्र युवक होकर एक बालक की भांति क्यों व्यवहार करता है? क्योंकि मैं कायर हूं ना, इसलिए डरता हूं। और इसी कायरता के कारण मेरे पिताजी ने मुझे त्याग दिया और मेरी माता को भी त्याग दिया। किंतु मैं क्या करूं, मुझे सबसे भय लगता है। पुत्र, अब घर चलो। विचित्र युवक है जो एक नन्हे बालक से भी अधिक डरता है। कुछ तो विचित्र कारण है जिसे ज्ञात करना होगा मुझे। मेरी सहायता करिए गुरुदेव। असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरी पुकार आप सुनते क्यों नहीं? असुर गुरु शुक्राचार्य, अहिरावण कहां हो तुम? कहां हो तुम अहिरावण? मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा अहिरावण? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राहु, तुम अकस्मात यहां पर क्या कर रहे हो? मैं आपको ये बताने आया हूं गुरुदेव कि पाताल नरेश अहिरावण परशुराम के रुद्राक्ष में बंद है, इसीलिए आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम राहु, अहिरावण रुद्राक्ष में बंद है? हाँ गुरुदेव, वो उसी रुद्राक्ष में बंद है जिसे ऋषि ऋचिक ने परशुराम को भेंट किया है। किंतु कैसे? कुछ समय पूर्व परशुराम और अहिरावण के बीच एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया था, किंतु ब्रह्मदेव के वरदान के कारण अहिरावण परशुराम से परास्त नहीं हो पा रहा था। तभी इसी मध्य ऋषि ऋचिक ने वहां पहुंचकर अहिरावण को एक रुद्राक्ष में बंदी बना लिया और अब वो रुद्राक्ष परशुराम के पास है। भला ये कैसा अविचित्र रुद्राक्ष है जिसके बारे में मुझे तक ज्ञात न हो सका? तुम्हें एक कार्य करना होगा राहु। कैसा कार्य गुरुदेव? राहु, तुम्हें परशुराम से वो रुद्र फल चुराकर मुझे सौंपना होगा जिसमें वो अहिरावण बंद है। असुर गुरु तो मुझे परशुराम के आवेश की भट्टी में झोंकने का मन बना चुके हैं। मुझे कुछ बहाना बनाना होगा। क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा टालने का मुझमें साहस कहाँ? किंतु एक विशेष कार्य में अति व्यस्त होने के कारण मैं स्वयं को इस कार्य के लिए असमर्थ पा रहा हूँ। राहु, तुम्हें समस्त कार्य छोड़कर केवल एकमात्र यही कार्य करना है। तत्काल जाओ और परशुराम से वो रुद्र फल चुराकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस देती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो उनके पास जाऊंगा जिन्होंने अपनी शक्ति से बिजली को भी बंद कर दिया था। हाँ माँ, उनके पास ना बहुत शक्तियां हैं। उनके एक बाण से मेघों ने भी गरजना बंद कर दिया था। पुत्र, वो कोई अपरिचित पथिक थे जो अपने पथ पर चले गए, अब क्या उनका स्मरण करना? चलो तुम चल के पहले भोजन कर लो। नहीं माता, आप उन्हें ढूंढ कर लाइए। उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मुझे भी उनके जैसा बनना है।
यदि मैं वैसा शक्तिशाली बन गया तो पिताजी हमें वापस बुला लेंगे। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं पुत्र कि तुम्हारे पिता सदा के लिए हमें छोड़ गए, किंतु अभी भी उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। बोलिए ना। ठीक है पुत्र, पहले तुम भोजन कर लो, फिर हम उन्हें ढूंढने चलेंगे। उचित है, शीघ्र लेकर के आइए भोजन। ये लो पुत्र, खाओ, आज सब तुम्हारी पसंद के ही व्यंजन है। नहीं, आप अपने हाथों से खिलाइए। सत्य है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, माता ईश्वर का ही दूसरा रूप है। माता, आप मुझे पिताजी के पास कब लेके जाएंगी? जब तुम ये सारा भोजन स्वयं अपने हाथ से समाप्त करोगे तब। तुम्हें अभी खा लेता हूं। अरे वाह पुत्र, तुम तो बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र निकले भद्र। अच्छा, अब मैं पूजा करके आती हूँ, तब तक तुम ये सारा भोजन समाप्त कर लेना। सारा भोजन समाप्त करना? भोजन समाप्त होने के पश्चात माता मुझे पिताजी से मिलवाने लेके जाएगी। मैं उनसे ढेर सारी बातें करूंगा, कहानियां भी सुनूंगा, वो वन में चड़ैल वाली कहानी सुनूंगा। नहीं नहीं, चड़ैलों से मुझे भय लगता है, मैं नीली परी वाली कहानी सुनूंगा। ये तो अबोध बालक की भांति एक निश्चल युवक है। भद्र, अरे हाथ, आप तो वही है ना जिन्होंने अपनी शक्ति से मेघाओं को भी शांत कर दिया था। हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप स्वयं आ गए। लीजिए भोजन कीजिए। नहीं नहीं, आप खा लीजिए भद्र। आप मुझे अपने जैसा योद्धा बना सकते हैं? किंतु आप योद्धा क्यों बनना चाहते हैं? ताकि मैं अपने पिताजी के पास जा सकूं। पिताश्री, और वो कहाँ हैं? वो तो माता को ज्ञात है। Thank you.
मैं कैसे मिलाऊं उस पुत्र से आपको स्वामी, जो आपसे मिलने के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है। आज आपको हमसे पिछड़े हुए इतने इतने वर्ष बीत गए, किंतु अब भी ना हम आपको बुला सके और ना ही आपकी अंतिम इच्छा को। स्वामी पी लीजिए, तनिक पानी पी लीजिए। प्रतीत होता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे महल ले चलो, मुझे इस कुटिया में क्यों रखा है, मुझे महल ले चलो। स्वामी वैद्यराज ने स्वस्थ वायु सेवन के लिए आपको यहाँ रखा है और आप इतना निराश क्यों होते हैं? मुझे मुझे विश्वास है स्वामी कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। माता माता माता, आज केशव ने मुझे लट से बहुत पीटा। पुत्र, केशव तो मात्र 10 वर्ष का है ना, फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? यदि मैं उसे कुछ कहता तो वो मुझे और अधिक मारता, इसलिए मैं शांत रहा। मुझे लज्जा आती है ऐसे कायर पुत्र पे, जिसकी देह तो गज जैसी है किंतु जिसकी कायरता मूर्ख से भी अधिक है। समय आने पर हमारा भद्र भी वीर बन जाएगा। स्वामी आप अधिक चिंता मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी कहर पुत्र के कारण मेरा स्वास्थ्य नष्ट हुआ है। तुमने ऐसे कायर पुत्र को जन्म दिया है जिसे पुत्र कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। इसके कारण मैं पूरे राज्य में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं भी क्या करती स्वामी, माँ हूं ना, और पुत्र चाहे कैसा भी हो स्वामी, लेकिन माँ के लिए वो प्यारा ही होता है। तुम्हारे लिए होगा ये प्यारा, किंतु ऐसे कायर पुत्र से घृणा आने लगी है मुझे, जो चींटी से भी भय खाता है, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या हमारे राज्य और प्रजा की रक्षा करेगा? मेरे पश्चात क्या होगा मेरे राज्य का? इसी विचार ने मुझे मृत्यु शैया पे पहुंचा दिया है। स्मरण रखना तुम भी, यदि इसी बीच मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मेरे इस कायर पुत्र से मेरी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाहित मत करवाना। जब तक इसके जीवन से कायरपन का धब्बा नहीं मिट जाता, ये बात याद रखना तुम भी, अन्यथा मृत्यु के पश्चात भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी, कदापि। मैं क्या करूं स्वामी, कैसे अपने पुत्र को वीर बनाऊं ताकि आपकी ये अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो सके। तलवार उठाओ, अभ्यास आरंभ करते हैं। प्रहार करो मुझ पर। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा आपसे। यदि मैंने तलवार उठाई तो आप मुझे मार देंगे। यदि तुम तलवार नहीं उठाओगे तो शत्रु तुम्हें मार देंगे, इसलिए कह रहा हूं तलवार उठाओ, अन्यथा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। पुनः कह रहा हूं तलवार उठाओ, अन्यथा मेरा अगला प्रहार और घातक हो सकता है। मैंने कहा तलवार उठाओ।
वीरभद्र, पहले ही प्रहार में शत्रु के रक्त बहा दिया। चलो पुनः अभ्यास करेंगे। नहीं, नहीं, माता। भद्र, भद्र रुक जाओ। भद्र, हे अपरिचित ब्राह्मण कुमार, आज पहली बार मैंने अपने पुत्र को तलवार उठाते और लड़ते देखा है, और ये आप ही की संगत का परिणाम है। क्या आप मेरे पुत्र के गुरु बनकर उसके भय को दूर कर सकते हैं? यदि आपने मेरी ये प्रार्थना सुन ली तो मेरे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। क्षमा करे देवी, किंतु मैं तो भद्र के साथ बस कीड़ा कर रहा था। मुझे खेद है कि मैं आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे महादेव के एक विशेष कार्य के लिए शीघ्र निकलना होगा।